गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका मेरे संडे पॉडकास्ट में। आज का जो विषय मैंने चुना है उसका नाम है अपनी खोज। तो आइए शुरू करते हैं आज का संडे पॉडकास्ट। यूनानी दार्शनिक अरस्तु से किसी जिज्ञासु ने दो प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, इस संसार में सबसे आसान काम क्या है? और दूसरा प्रश्न था, मनुष्य के लिए सबसे कठिन कार्य क्या है? अरस्तु ने गंभीरता पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, इस संसार में सबसे आसान काम है दूसरों को देखना और सबसे कठिन काम है स्वयं को जानना। इस धरातल पर प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर कब्र तक की यात्रा में कुछ न कुछ खोजता ही रहता है। यह खोज आरोपित नहीं है, यह मनुष्य में वैसे ही प्रसुप्त है जैसे बीज के भीतर अंकुर छिपा होता है। विज्ञान की खोज भी मनुष्य के इसी खोजी प्रकृति की देन है। सारा जीवन खोज में बिता देने के बाद अंत में प्रत्येक व्यक्ति यही अनुभव करता है कि हमने जो भी खोजा है वह सब सारहीन है। सबसे पहले मनुष्य ने धन खोजा, परंतु वह देखता है कि मृत्यु आने पर धन यही पड़ा रह जाता है। अतः धन की खोज सारहीन सिद्ध हुई। जो साथ न जा सके वह सार कैसा होगा? यदि यश भी मिल गया तो क्या हुआ? संसार के लोगों ने प्रशंसा की और मालाएं पहनाई, तालियां पीट दी, किंतु वास्तविक यह है कि आज तालियां बजाते हैं और वे कल गालियां भी देने लग जाते हैं। अपने अतिरिक्त यहाँ कुछ भी सार नहीं है, इसलिए स्वयं की खोज ही सारपूर्ण है। जिसने भी अपनी खोज की उसका जीवन सार्थक हो गया। स्वयं को जानना सदा आसान है और दूसरे को जानना सदैव कठिन। हर व्यक्ति दूसरे के लिए यही कहता है कि तुझे समझना टेढ़ा मामला है, क्योंकि वह स्वयं से अनजान है। उपनिषद में लिखा है, स्वयं की खोज कर लेना ही मूल्यवान है। जब हमारा चित्त दुखी होता है तो हम सोचते हैं, इसको जान लो, उसको खोज लो तो दुख मिट जाएगा। यथार्थ यह है कि कितनी ही खोज कर लो फिर भी विज्ञान संसार में जानने के लिए बहुत कुछ शेष रह जाता है। जिसने अपनी खोज कर ली उसके लिए जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता। हालांकि जानने के लिए विषय तो बहुत होते हैं, किंतु जानने का कारण शेष नहीं रहता। इसलिए प्रभु महावीर ने कहा है, जो एक को जानता है वो सबको जान लेता है। उपनिषद की एक प्रचलित कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। श्वेत केतु के पिता उसे पढ़ने के लिए एक आश्रम में भेजना चाहते थे और वहां उसको भेज भी दिया। श्वेतकेतु प्रखर मेधा और विलक्षण प्रतिभा का धनी था। आश्रम पहुंचकर गुरु कृपा एवं अपनी पात्रता के आधार पर उसने समस्त शास्त्रों को हृदय में धारण कर लिया, ब्रह्म के समस्त रहस्यों को गहराई से जान लिया। जब श्वेत केतु घर लौटा तो उसने अकड़कर घर में प्रवेश किया। पिता ने उसका अहंकार पूर्ण हाव भाव देखा तो पूछा, बेटा तू सब जानकर आ गया है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है। श्वेत केतु ने बड़े गर्व से कहा, हाँ पिताश्री, 18 शास्त्र मुझे कंठस्थ हैं। आप मुझे कुछ भी पूछ कर देख लीजिए, मैं सब परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर चुका हूँ। यह सुनकर श्वेत केतु के पिता ने पूछा, बेटा क्या तूने अपने गुरु से वह भी जाना जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है? पिताश्री के इस प्रकार के दार्शनिक पूर्ण प्रश्न पूछने पर श्वेत केतु सोच में पड़ गया। कुछ देर रुककर बोला, पिताश्री मैं तो वे चीजें जानकर आया हूँ जिनको जान लेने से उन्हीं को जाना जाता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज है जिसे जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। तब पिता ने बेटे से कहा, तू वापस आश्रम में जा, तेरा ज्ञान अभी अधूरा है, अपने गुरु से ज्ञान की पूर्णता प्राप्त करके ही लौटना। उसी क्षण श्वेत केतु ने घर छोड़कर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। गुरु के चरणों में पहुंचकर विनम्र भाव से पूछा, गुरुदेव आपने मुझे शास्त्रों का तो सूक्ष्म अध्ययन करा दिया, किंतु मेरे पिताश्री कहते हैं कि तेरी विद्या अभी अधूरी है। जब तक मैं वह चीज न जान लूं जिसको जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, तब तक मैं आपके श्री चरणों में ही रहूंगा। श्वेत केतु की अंतर जिज्ञासा को जानकर गुरुदेव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, वत्स,
वह तो तेरी अपनी आत्मा ही है जिसको जान लेने के साथ सब कुछ जान लिया जाता है। जैसे ही तू अपनी खोज प्रारंभ करेगा वैसे ही तू पाएगा कि जानने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है। अपनी खोज ही मौलिक है, जिसे खोजना है और पाना है वह हमारे भीतर ही है। अक्सर खोजने में और पाने में बड़ी विसंगति है। किसी ने सच कहा है, गलत जगह खोजोगे तो कभी नहीं मिलेगा, ठीक जगह खोजोगे तो पल में मिल जाएगा। स्वयं को जानना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, क्योंकि जो हम हैं वही संसार है। यदि स्वयं को बदलना है तो स्वयं को जानना आवश्यक है। चाहे सारे संसार में विश्व में घूम ले, अंततः हमें स्वयं पर ही लौटना पड़ता है। जो स्वयं को जान लेता है वह गलत रास्तों को भी सही बना लेता है। जो स्वयं से अनजान है उसके लिए ठीक रास्ते भी गलत मंजिल तक ले जाने वाले बन जाते हैं। जब अपनी खोज इतनी महत्वपूर्ण है तो हम उसे टटोलते क्यों नहीं? लगता है हम स्वयं को भूलना चाहते हैं। इस संसार में एक ही पाप है, वह है अपने आप को भूल जाना। जहां हजार चीजें याद रहती हों, फिर स्वयं को याद करने की जगह ही नहीं बचती। हम शुतुरमुर्ग की तरह काम कर रहे हैं, जो दुश्मन को देखकर रेत में मुंह छिपा लेता है और सोच लेता है कि मैं सुरक्षित हूँ। उसका मानना यह है कि जो दिखाई नहीं देता वह है ही नहीं। इस भूल भरी मान्यता के लिए शुतुरमुर्ग को अक्षमा किया भी जा सकता है, परंतु इस मनुष्य को माफ नहीं किया जा सकता। जिसे अपनी खोज करनी हो उसे शेष सब ओर से अपनी आंखें बंद कर लेनी होगी और मन को इस संकल्प के साथ मोड़ना होगा कि जब तक मैं स्वयं को जान नहीं लेता तब तक सब कुछ जानने का मूल्य भी क्या है। जो अपने से ही दूर निकल जाता है और स्वयं से ही अजनबी हो जाता है उसके जीवन में सदा अंधकार रहेगा। इसलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने मनुष्य जाति को यही एक संदेश दिया है, स्वयं के भीतर उतर कर अपनी खोज कर लो। व्यूअर्स, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात अगर है तो वो है स्वयं की खोज। और मुझे लगता है मेरी इस वार्ता से, मेरी इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि इस जगत में, इस संसार में अगर हम आए हैं तो हमें स्वयं को नहीं भूलना चाहिए, स्वयं को पाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। मेरी कहानी, मेरी वीडियो कैसी लगी आपको? अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।